हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अंकित अधाना और आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट वर्कआउट और प्री वर्कआउट में जो आप प्रोटीन पाउडर लेते हैं उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ प्रोटीन पाउडर के बारे में, हम दोनों टाइम लेना चाहिए यानी पोस्ट और प्री दोनों टाइम लें या फिर एक टाइम में ही काम चल जाएगा। गाइज, आपको इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोई मतलब महंगा वाला ख़रीदा है तो आप उसको कम से कम यूज़ करो, यानी जिम जाने से पहले यूज़ करो या फिर जिम जाने के बाद में। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप उसको बस जिम जाने से पहले ही यूज़ करो। मान लो अगर आप कोई बिगनर हैं या फिर आपको 3-4 महीने जिम जाते हुए हो गए या 5-6 महीने हो गए और आपने नेचुरल डाइट से हटके आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ प्रोटीन ले लेता हूँ, प्रोटीन पाउडर ले लेता हूँ। हम लोग क्या करते हैं कि दोनों टाइम लेते हैं, मतलब प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट। प्रोटीन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, डाइट पर ध्यान देते नहीं हैं। तो गाइज़, आप ना मान लो 5,000 का डब्बा आ रहा है, आप अगर वो 2 महीने चलना होगा एक स्कूप डेली, तो वो अब चलेगा 1 महीने, यानी 2 स्कूप डेली लोगे आप तो वो 1 महीने चलेगा। तो 5,000 का अगर 1 महीने चल रहा है, फिर नेक्स्ट मंथ आप दूसरा खरीदोगे तो यानी आपका डबल खर्चा होने वाला है। तो इससे अच्छा आप उसको केवल प्री वर्कआउट लो और प्री वर्कआउट में आप केले या फिर कुछ और एप्पल वगैरह लो और उसके साथ में एक स्कूप प्रोटीन का प्रोटीन शेक ले लो, तो उससे आपकी मसल रिकवरी होगी, आपकी आपको एनर्जी भी मिलेगी। और आप पोस्ट वर्कआउट में प्रोटीन ना लेके कार्ब्स ले सकते हैं अगर आप बिगनर हैं, और मतलब कुछ ऐसी डाइट्स हैं जिनमें नेचुरल प्रोटीन मिलता है, जैसे चने हो गए, सोयाबीन हो गई या फिर अंडे हो गए, तो उनमें कार्ब्स के साथ प्रोटीन मिलेगा। और आपको फाइबर्स भी लेने हैं पोस्ट वर्कआउट में, मतलब मान लो आपने 1 घंटे पहले केले खा लिए, 2 केले खा लिए प्री वर्कआउट जिम जाने से पहले, और उसके 15-20 मिनट बाद आपने एक प्रोटीन शेक ले लिया एक स्कूप, तो अब आप जिम गए, वहाँ पे आपकी मसल ब्रेक डाउन हुई, तो वो जो रिकवरी साथ के साथ आपकी हो जाएगी। और फिर जब आप जिम से आए तो जिम आने के बाद आपको प्रोटीन शेक की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कार्ब्स ले सकते हैं, राइस ले लो, फ्राइड राइस ले लो, चिकन हो गई, एग्स हो गए। आते हैं इसका खर्चे के ऊपर। तो गाइज, अगर आप इसको दोनों टाइम लोगे तो आपका डबल खर्चा होगा आपको, मतलब अगर 5,000 का डब्बा आता है तो अगर आप 1 महीना चला रहे हो तो वो दूसरे महीने आपको फिर नया ख़रीदना पड़ेगा, यानी आपको 10,000 का खर्चा 2 महीने में करना पड़ेगा। कहीं क्यों ना आप 5,000 को 2 महीने में खर्च करो प्रोटीन को, और एक्स्ट्रा जो आपको प्रोटीन या फिर कार्ब्स चाहिए, मसल्स बनानी है तो आप कार्ब से बना सकते हो। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन केवल आपकी मसल की रिकवरी करेगा, जो भी आपकी मसल्स ब्रेक डाउन होती हैं वर्कआउट के टाइम पर वो आपकी रिकवरी करेगा, मसल्स की रिकवरी करेगा और मसल्स के ग्रोथ को बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा। और अगर आप अच्छा खाएंगे नहीं तो प्रोटीन के चक्कर में बॉडी नहीं बनने वाली, प्लस आपका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। और जो भी आपको कोई ऐसी सलाह देता है ना कि भाई बिना प्रोटीन के बिना डब्बे के बॉडी नहीं बनती, ऐसा कुछ नहीं है गाइज, आप बिना प्रोटीन पाउडर के भी बॉडी बना सकते हो। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई इंक्वायरी है, कोई डाउट्स क्लियर नहीं है आपके, तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं या फिर मुझे ईमेल करके पूछ सकते हैं। मैं अपनी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कुछ भी आपको जानकारी चाहिए फिटनेस से, डाइट से, तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके आने वाला हूँ। तब तक के लिए चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो जितना हो सके।